खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जुमे की नमाज के बाद मौलाना कल्ब जवाद नकवी के नेतृत्व में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ नारे लगाए और सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग की। मौलाना कल्ब जवाद नकवी ने इस बिल को सांप का बिल बताया, मुसलमानों से सावधान रहने की अपील की। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए मजलिस उलमा हिंद के महासचिव मौलाना सैयद कल्ब जवाद ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल सांप का बिल है जिसके द्वारा मुसलमानों की संपत्ति को डसने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस बिल के द्वारा मुसलमानों की वक्फ संपत्ति पर कब्जा करना चाहती ताकि मुसलमान को बर्बाद कर दिया जाए। उन्होंने कहा सरकार ने मुसलमानों के दिल पर हमला किया जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौलाना ने कहा इस बिल को समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति JPC के पास भेजा गया है जो सिर्फ धोखा देने के लिए, क्योंकि समिति में बहुमत BJP के पास है। मौलाना संशोधन विधायक के प्रवादन पर बात करते हुए कहा 200 और 400 पुरानी वक्फ संपत्तियों का वक्फनामा कहाँ होगा। वक्फ बोर्ड का गठन 1923 में हुआ था, उस समय सभी औकाफ को अधिकारी के आधार पर पंजीकृत किया गया था, लेकिन अब सरकार कह रही है कि सभी वक्फ संपत्तियों के लिए वक्फनामा भी जरूरी है जिसके आधार पर वक्फ संपत्तियों को फिर से पंजीकृत किया जाएगा। मौलाना ने कहा कि मैं शिया औकाफ की जिम्मेदारी लेते हुए कहता हूँ कि शिया औकाफ में किसी अंधर्म की 1 इंच भी जमीन अवैध तरीके से नहीं ली गई, लेकिन कलेक्टर और सरकार की निगरानी में हमारे औकाफ पर अवैध तरीके से कब्जे किए गए। हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर पिछले 10 से 15 वर्षों में कई मंदिर बनाए गए जो वक्फ की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए हैं। ट्रस्ट की जमीनें बेच दी गई और सरकार ने अपने कार्यालय स्थापित कर लिए हैं। इसी तरह सरकार चला रहे पूंजीपतियों ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर अपनी इमारतें खड़ी कर ली हैं। उदाहरण के तौर पर मुंबई में यतीमखाना अनाथालय की जमीन प्रदेश के सबसे बड़े पूंजीपति की गगनचुम्बी इमारत बनी हुई है। ऐसे अवैध कब्जों को वैध बनाने के लिए यह बिल लगाया जा रहा है। मौलाना ने कहा कि हम इस बिल का लगातार विरोध करते रहेंगे और हरगिज चुप नहीं बैठेंगे। मौलाना ने कहा कि हमने नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू से भी मिलने का समय मांगा है, वहीं हम गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अंजुमन के लोग मौजूद रहे। जी ये इस्तेजाज की शुरुआत है और इंशाल्लाह बहुत ही अजीम बड़े बड़े इस्तेजाज होंगे अगर ये वक्त आपत नहीं लिया गया इसकी बहुत, क्योंकि ये सिर्फ सबसे नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया कि हर वक्त खत्म हो जाए, सारे वक्त खत्म हो जाए और धुंधू भाइयों को धोखा दिया जाता है। पार्लियामेंट में झूठ बोल रहा है कि साहब हिंदू की जमीनों पर कब्जा करके वक्त डिक्लेयर कर दिया गया है, मंदिरों की जमीनों पर कब्जा करके वक्त डिक्लेयर कर दिया गया है। मैंने कहा शिया औकाफ के सिलसिले में हम ऐलान करते हैं यहां से सुबंबारे से कि अगर 1 इंच के लिए साबित कर दिया जाए कि 1 इंच किसी हिंदू भाई की जमीन, किसी सिख भाई की जमीन, किसी जैन भाई, किसी बौद्ध भाई की 1 इंच जमीन भी अगर वक्त बोर्ड में दाजा तरीक पर अगर शामिल हुई है तो मैं आपका पूरा मूवमेंट वापस ले लूंगा, पूरा मूवमेंट वापस ले। वहां उल्टा है, हमारी जमीन बेकब रहे हैं कल्याण सिंह साहब ने महाअब्दाल हुसैन साहब की करबला की जमीन के ऊपर अस्पताल बनाया और वहां भी एक बड़ा सा मंदिर बनाया है, वक्त की जमीन पर बनाया है। आज देखिए हुसैनाबाद की जमीन पर कितने मंदिर बन रहे हैं, आप जाके देख लीजिएगा, सब हुसैनाबाद की जमीन है, वक्फ की जमीन है, सब मंदिर बने हुए हैं। इसका मतलब मामला उल्टा है और जब हम इंतजार करते हैं तो हिंदू मुस्लिम राइट की धमकी नहीं है, वो बिल्कुल उसमें मेजोरिटी जो है BJP वालों की है। 21 है उसमें 21 में 9 जो है दूसरी पार्टियों के 12 BJP के हैं, उसमें कहा कि एक वोट भी अगर ज्यादा हो गया तो पास हो जाएगा, तो वहां 3 वोट ज्यादा है उनके तो पास तो हो ही जाएगा, धोखा है वो भी GPC भी धोखा दिया जा रहा है, उसमें धोखा टोटल धोखा GPC भी, बिल्कुल भरोसा नहीं उनको, क्योंकि मेजोरिटी BJP की है, उसमें बराबर का रखना चाहिए था उनको, बराबर का रखना चाहिए था कि जितने अपोजिशन वाले हैं जितने BJP के उन्होंने अपनी मेजोरिटी रख दी है तो अब कैसे इंसाफ की उम्मीद करें उनसे। अंबानी, अरे सारे षड्यंत्र अंबानी को बचाने का है, उसने बंबई में अंबानी ने यतीम खाने की अनाथालय की और फ्रेज की जमीन 44,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर अपनी सबसे बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है, सबसे बड़ी खूबसूरत बनाई है, यानी उसको भी बचाने की फिक्र है कि हमारे कब्जे में आ जाए, अंबानी जी भी बच जाए, हुकूमत चला रहे हैं। हम लोग उससे मुलाकात करेंगे और हमें टाइम मांगा है,
राजनाथ साहब से भी मांगा, अमित शाह जी से भी मांगा, उससे भी मांगा, सबसे टाइम मांगा है। और खास तौर से जो हमने टाइम मांगा है नीतीश जी से मांगा है और नायडू जी से मांगा है, क्योंकि अगर इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी तो ये दो अगर हमारे साथ दे देंगे तो ये बिल पास नहीं होगा। लिहाजा हम बिहार के मुसलमानों को भी कहते हैं कि वो भी दबाव डाले नीतीश जी पर और तेलंगाना वहां के या आंध्रा के मुसलमानों को कहेंगे पर दबाव डाले कि वो इस बिल को पास न होने दें। मतलब ये मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी गद्दारी होगी और सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी इस हुकूमत के जरिए। तो और इसकी शुरुआत कांग्रेस ने की है, सुन लो, कांग्रेस ने शुरुआत की है पुख्त खलवा करने की। आज जाओ भवन बना है, आज जाओ जवाहर भवन बना है, ये पफ अमीर आगा की जमीन है जिस पर कब्जा किया है कांग्रेस ने। और जहां देखो 123 औकाफ जो गज्ब किए हैं वो कांग्रेस ने गज्ब किए थे, कांग्रेस लिए थे, जिसमें शाह मद्दा भी शामिल है, जिसमें इमामिया हाल भी शामिल है, बड़ी बड़ी मस्जिदें शामिल है कि जिसको कांग्रेस ने अपने कब्जे में लिया था, कहा था ये वक्त नहीं है। उसके बाद वक्त को किराए पर दिया है इन तमाम जमीनों को। देखिए तो बदमाशी, वक्त की जो पावर्स हैं वो भी आपको लगता है खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल कर दिया है, मैं मिट्टी के बाजू करके रख दिया, उसमें कोई पावर नहीं। देखिए हम कहते हैं साहब बेमानी हो रही है, तो उस पर हमने कहा कि आप 100 ऑडिटर बना दीजिए वहां के लिए, जांच के लिए 100 ऑडिटर बना दीजिए। मैं कोई ऐसा कानून नहीं कबूल करेंगे जिससे वक्त खत्म हो जाए। आप बेमानी हो रही है, 100 ऑडिटर बनाइए, जाके ऑडिट करें, अगर बेमानी हो रही है तो सबको सजा दीजिए। बीमारी के हक में नहीं है, औकात के खत्म करने के हक में है कि वो खत्म न होने पाए, हम चाहते वो बचा लिया जाए, वो खत्म न होने पाए। इसके ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज हब भारत।